कोविड-19 के प्रकोप के चलते देश भर में लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है। जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें तो जनपद में कोरोना के कुल 23 मरीजों में से 9 मरीज लगभग एक सप्ताह पहले ही ठीक हो चुके थे, जिसके बाद अब कुल 14 मरीज शेष हैं, जबकि लगभग 160 मरीजों की रिपोर्ट आनी बाकी है। शासन द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर को रेड जोन की सूची में रखा है। लॉकडाउन में 40 दिनों से लगातार घरों में रहकर लोग अब ऊब चुके हैं। अब जनपद वासियों को सरकार से राहत की उम्मीद थी, वही शराब के शौकीन तो पूरी तरह मायूस दिखाई दे रहे थे, मगर आज उस समय शराब पीने की इच्छा रखने वाले लोगों को खुशी का एहसास हुआ, जब जनपद में निरीक्षण पर आए सहारनपुर मंडल आयुक्त संजय कुमार ने कल से शराब की दुकानों के खुलने की सूचना दी। गौरतलब है कि जनपद मुजफ्फरनगर रेड जोन में होने के बावजूद भी कल से शराब की दुकानें खुलेंगी, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा शराब की दुकानों के आगे गोले के निशान बनाए जा रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। इस दौरान कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि एक्साइज की दुकानें, उन पर भी निर्णय ले लिया है कि एक्साइज की दुकानें हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगी और क्षेत्र में शेष क्षेत्र में चालू होगा, परंतु उससे भी शर्त है और शर्तों का विवरण भी हर दुकान के सामने लिखा जाएगा कि मिनिमम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, एक व्यक्ति कितनी बोतल कितनी सामग्री खरीद सकता है और ओवरटिंग ना हो उसके बारे में भी तमाम बातों को लेकर एक सूचना पेटिका लगाई जाएगी। आज शाम इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा और यह कल से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। आगे हम हॉटस्पॉट एरिया भी देखेंगे और क्वारंटीन फैसिलिटी और कम्युनिटी किचन का कैसे कार्य है वह भी देखेंगे, और ज़्यादातर मुद्दों पर हमारी चर्चा हो गई है। आपकी कार्य योजना, आपकी तैयारी से हम संतुष्ट हैं। एक्साइज की दुकानें हैं, उसके बारे में भी निर्णय ले लिया गया है कि एक्साइज की वही दुकानें हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में अलाउ नहीं होगा और शेष क्षेत्र में चालू होगा, परंतु उसमें भी शर्तें हैं और शर्तों का भी विवरण हर दुकान के सामने लिखा जाएगा कि मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन करना, एक व्यक्ति कितनी बोतल कितना सामग्री खरीद सकता है और ओवर रेटिंग और ना हो, तमाम उसके बारे में भी हर दुकान पे एक सूचना पट्टिका लगाई जाएगी। कब से शुरू होगी सर ये दुकानें? ये मेरे ख्याल आज शाम तक इस संबंध में निर्णय ले लेंगे और कल से ये सुचारू रूप से चालू होगा। अभी आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? आगे हम एक हॉटस्पॉट एरिया भी देखेंगे, इनकी क्वारंटीन फैसिलिटी देखेंगे, किचन जो कम्युनिटी किचन का कार्य है वो भी देखेंगे, और उसके बाद ज़्यादातर मुद्दों पर हमारी चर्चा हो गई है। मैं आपकी कार्य योजना से, आपकी तैयारी से, आप लोगों की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम लोग संतुष्ट हैं और मुझे विश्वास है कि जो जैसे मैंने कहा, अगले मेहनत करके इसी स्पिरिट से काम करेंगे तो अगले 15 दिन में ये संभव है कि मुजफ्फरनगर जनपद जो है एक्टिव केसेस को शून्य कर लें।